अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सो सऊदी अरब में जितने भी मेरे परदेसी भाई रहते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आपके इकामा पे कितना सारा सिम निकल गया है। अगर आप ये नहीं जानते हो तो अब जान जाओगे आपके इकामा पे कितना सारा सिम एक्टिव है, कितना सारा सिम चल रहा है। अब ये आप आसानी से जान सकते हो। इस वीडियो में मैं लाइव दिखाया हूँ कि किस तरीके से आप अपना इकामा पे कितना सारा सिम चल रहा है ये चेक कर सकते हैं। और अगर आप फालतू का सिम को बंद करना चाहते हो या फिर आपका इकामा पे सिम निकला है लेकिन आप नहीं चला रहे हो तो उस सिम को भी आप आसानी से बंद कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह भी दिखाया हूं कि उस सिम को कैसे बंद करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप सभी के लिए इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। CITC एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए अपना मोबाइल स्क्रीन पर प्ले स्टोर को ओपन कर लें। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहां सर्च पर CITC ऐप लिखें तो यहां पर आपको अरबी में नज़र आएगा ये लिखा हुआ एप्लीकेशन का नाम। यहां से इस पर क्लिक कर देना है। यहां पर आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर लें। यहाँ से मैं पहले से इंस्टॉल करके रखा हूँ, इस वजह से मुझे ओपन करने का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों मेरा एप्लीकेशन जो है ये डाउनलोड है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ से आपको न्यू अकाउंट का ऑप्शन दिया जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दें। अगर आप पहली बार इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हो तो, और पहले से अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं तो यहाँ पर नेशनल आईडी नंबर मतलब इकामा नंबर अपना एंटर करें। इस तरीके से अपना इकामा नंबर को यहाँ पर एंटर कर देना है, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। अब आप जो भी अपना अफसर में सिम नंबर दिए होंगे उस सिम नंबर पर OTP जाएगा 4-डिजिट नंबर का, तो उस नंबर को इस जगह पर आपको लिख देना है। यहाँ आप देख सकते हो मेरा OTP जो है ये आ गया है, उस OTP को मुझे इस खाली जगह पर जो है वो लिख देना है। तो इस तरीके से आप भी अपना सिम से जो भी OTP हो इस तरीके से लिख दें, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें तो ये पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका यहाँ पर नाम देखने को मिल जाएगा, उसके बाद अरगामी का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। आपके इकामा पे कितना सारा सिम निकला हुआ है इसको चेक करने के लिए या फिर आप जो भी सिम को बंद करना चाहते हैं उस सिम को बंद कैसे करना है उसके लिए आपको अरगामी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से ओपन सर्विस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको आपका जितना भी सिम है, यहाँ आप देख सकते हो आपके इकामा पे जितना भी सिम है इस तरीके से आपको शो कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आप जो भी सिम आप चेक कर लें कि आपके इकामा पे कौन कौन सिम है और आपके पास कौन कौन सा सिम है। जो सिम आपके पास नहीं है उस सिम को फौरन बंद करें। तो इस सिम को कैसे बंद करना है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अपना सिम को बंद करने के लिए या कैंसिल करने के लिए सबमिट कंप्लेंट पर आपको क्लिक करना है। सबमिट कंप्लेंट पर क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा, तो चूज़ कंप्लेंट टाइप यहाँ पर आपको बोला जाएगा। तो कैंसिल नंबर यहाँ आपको मिल जाएगा सेकेंड नंबर पर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से सर्विस नंबर पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आप कौन सा सिम को बंद करना चाहते हो उस सिम को यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से एक नंबर वाला सिम को बंद करना चाहता हूँ तो उसे मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। आपको दो ऑप्शन मिलेगा, सर्विस सब टाइप कंप्लेंट सब टाइप। तो सर्विस सब टाइप पर यहाँ पर आपको वॉइस सेलेक्ट करना है। सबमिट कंप्लेंट ये है दो नंबर वाला ऑप्शन कंप्लेंट सब टाइप, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिलेगा, तो आपको एक नंबर वाला ऑप्शन कैंसिल और सस्पेंड नंबर पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने ये पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा, तो अदर डिटेल्स आपसे मांगेगा। तो मैं जिस तरह से लिखा हूँ इस तरीके से आप भी लिखें। अगर आप ये लिखना नहीं जानते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक दे दिया हूँ, यहाँ से डायरेक्ट जाके आप कॉपी कर सकते हैं। या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से मुझे व्हाट्सएप करें, आपको मैं ये जो राइटिंग लिख रहा हूँ ये मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा। अदर डिटेल्स लिखने के बाद अटैचमेंट टाइप पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से कॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड एक नंबर वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, मतलब आपका इकामा का फोटो यहाँ पर आपको सबमिट करना है। यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों मैं इकामा का फोटो यहाँ अपलोड कर दिया हूँ, यहाँ नीचे टिक पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद जो है कंप्लेंट डायरेक्ट जैन कंपनी का ऑफिस में चला जाएगा। ऑफिस में कंप्लेंट जाने के बाद 3 से 4 दिन के अंदर आपका सिम वो बंद कर दिया जाता है कंपनी की तरफ से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी जो है अपने इकामा पे कितना सारा सिम है ये जान सके या फालतू का सिम कैसे बंद करते हैं ये सीख सके। और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप सभी के लिए इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानकारी वाला वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।